हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपंच स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB JEE भर्ती, जिसका पोस्ट कोड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5/19, ये जूनियर इंजीनियर सिविल का NDMC वाला कोड है आप लोग का, जिसका एग्जाम कंडक्ट आज के दिन ही मतलब 30 अक्टूबर को करवाया गया था। इस वीडियो में आप लोगों को एग्जाम एनालिसिस के बारे में बताने वाले हैं, आखिर कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे, एग्जाम का लेवल कैसा था, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का रिव्यू लेने के बाद ये कट ऑफ बनाया गया है। इसमें आप लोग का 5-6 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है एक्यूरेसी रहने का। तो जब भी आप लोग का कोई अपडेट आएगा DSSB JEE से रिगार्डिंग, तो आप लोग को सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास ऐसे लेटेस्ट टू लेटेस्ट अपडेट आते रहे। तो आइए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यदि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपियरिंग का, DSSB JEE भर्ती 5/19 में, पिछले वीडियो में आप लोग को 11/17 का बताया थे, क्योंकि 23 अक्टूबर को ही आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, उसमें भी आप लोग को क्वेश्चन बताए थे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो वीडियो पर भी आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं एग्ज़ाम में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले बताना चाहेंगे, एग्ज़ाम जो उसमें कंप्यूटर में चल रहा है, आप लोग का 20 क्वेश्चन का पार्ट वाइज बना हुआ है, 10 पार्ट में बना हुआ है उसमें, और इच पार्ट को सबमिट करने के बाद ही अगला पार्ट खुलता है। तो आप लोग बैक भी नहीं ले सकते हैं। इस चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन गलत होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहा। तो इस चक्कर में आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें यदि, तो बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग का 150, 160, 170, कोई कोई 110, 120 ऐसे भी अटैम्प्ट किए हैं। तो इस चक्कर में जो आप लोग का जो है कट ऑफ कम जाने का चांस है, क्योंकि उसमें जो है आपका 20 से 30 नंबर 40 नंबर तक इनएक्यूरेसी रहेगा, आप लोग का नेगेटिव में जाएगा। तो आइए आप लोग को बताते हैं सबसे पहले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, बाद में आप लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यदि रीजनिंग से, रीजनिंग में आप लोग का सीरीज से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अल्फावेट एनालॉजिस की बात करें तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसिंग फिगर 4 बॉक्स टाइप का बनाया जाता है उसमें, और उसमें मिसिंग टाइप का एक बॉक्स खाली छोड़ दिया जाता है, उसका जो है आप लोग का कुछ इस तरह से रहता है, दिखा देते हैं। यहाँ यहाँ गोला दे दिया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है प्रश्न पूछ दिया जाता है, यहाँ पर भरना होता है आप लोग का। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आए हुए थे 3 क्वेश्चन। बात करें कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें भी आपका 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और एक आपका वाटर इमेज से आए हुए थे क्वेश्चन, कुछ अल्फावेट टाइप का जो है इमेज दिया हुआ था, इसका जो है वाटर इमेज बनाना था, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ था आप लोग का, तो इसी का जो है वाटर इमेज बताना था, ऑप्शन 4 दिए हुए थे। और एक आया था आपका काउंटिंग ऑफ नंबर करके, और 2 क्वेश्चन आपका स्क्वायर एंड क्यूब रूट से आया हुआ था, और ओड मैन आउट से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। नंबर एनालॉजी की बात करें तो इससे आपका 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ इस तरह से था, 4-5 कैंडिडेट को बिठाया गया था, और आपका जो है इसी टाइप का क्वेश्चन बनाया गया था, साउथ की तरफ सबका फेसिंग था। तो आप लोग समझ सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होगा सिटिंग अरेंजमेंट का, ये 2 क्वेश्चन थे। और बात करें अगला जनरल एप्टीट्यूड का, तो जनरल एप्टीट्यूड में आप लोग का ग्राफ से क्वेश्चन था। ग्राफ में आप लोग का एक तो बार ग्राफ से क्वेश्चन था, जिसमें आप लोग का ये ऐसा टाइप का बार ग्राफ दिया गया था, और एक आपका प्रोडक्शन और डिमांड से रिलेटेड था, इसमें आपका रेशियो पूछा गया था, 2 ग्राफ ऐसे ही थे। और बात करें यदि स्पीड एंड डिस्टेंस का, तो इसमें आपका ट्रेन वाले क्वेश्चन थे, 2 ट्रेन चल रही होती है प्लेटफॉर्म में, कितना देर में गुजरेगी, इसके रिगार्डिंग ही आपका एक क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन था याद नहीं आ रहा अभी। और एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था आप लोग का, और एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन था, और 3 सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए हुए थे आप लोग का, जिसमें बोर्ड मास आते हैं, और HCF LCM से भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एवरेज से भी 2 क्वेश्चन थे आप लोग का, एवरेज से कुछ इस तरह से क्वेश्चन था आप लोग का, आप लोग का 25 कैंडिडेट था, और एक जो है प्रिंसिपल था स्कूल का, जिसका एवरेज एज 15 ईयर्स के लगभग दिया गया था, और इसमें से जो है प्रिंसिपल जो सबका ऑन एवरेज ले लिया जाता है, तो प्रिंसिपल का एज जो है 1 साल कम हो जाता है आप लोग का टोटलिंग में से, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें प्रिंसिपल का एज बताना था कितना होगा, और
एक रेशियो एंड प्रोपेगेशन से क्वेश्चन था आपका, कुछ इस टाइप का था आपका, पी प्लस क्यू का दिया हुआ था आपका, रेशियो में क्यू प्लस आर दिया हुआ था और रेशियो में पी प्लस आर दिया हुआ था, और इसका जो है कुछ 3, 4, 5 करके ऐसे रेशियो था, और एक दे दिया था उसी में क्वेश्चन पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर जो है आपका 15 हो रहा था। तो आपका पी इज टू क्यू इज टू आर का जो है सम पूछ रहा था, कितना सम होगा, पी इज टू क्यू इज टू आर का जो सम होगा वो कितना होगा। तो इसमें आपको इच का वैल्यू निकालना पड़ता है, उसके बाद ही आपका सम आता, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। और एक आपका आया हुआ था रेशियो एंड प्रोपेगेशन परसेंटेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन था आप लोगों का, उसमें आपका मार्केट प्राइस बताना था डिस्काउंट में, एक में डिस्काउंट से क्वेश्चन था। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों का अमाउंट दिया हुआ था और प्रिंसिपल दिया हुआ था, सीआई निकालना था आपका, और एक एसआई से क्वेश्चन था और एक पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन आए हुए थे। तो दो पाइप था, कुछ इस तरह से था, 6 और 8 मिनट में भरते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग टाइम पूछा गया था आपका पाइप एंड सिस्टर्न में। और बात किया जाए हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से, तो हिंदी में जैसा कि आप लोग को बताना चाहेंगे, संधि से एक क्वेश्चन आया हुआ था और समास से एक क्वेश्चन आए हुए थे, पर्यायवाची के 2 थे और एक विलोम शब्द थे, वाक्य के भेद 2 आए हुए थे और एक मुहावरे आए हुए थे, एक लोकोक्तियाँ पे क्वेश्चन थे, 1 की 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और 6 क्वेश्चन पैसेज से थे, पैसेज एक ही दिया जाता है बट उसमें क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं पैसेज से ही रिगार्डिंग। और एक आप लोग का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आए थे और एक लिंग से आए हुए थे, पुलिंग बताना था आप लोग का, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, और एक विशेषण से क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें विशेषण छांटना था आप लोग का, एक वाक्य दिया हुआ था, हिंदी में इतना आया हुआ था। और इंग्लिश की बात करें यदि, तो इंग्लिश में भी 6 क्वेश्चन, तो एक पैसेज दिया हुआ था, पैसेज से ही हो गए 6 क्वेश्चन, और आपका करेक्ट सेंटेंस करना था 3 क्वेश्चन उससे बने आपका, और सिनोनिम और एंटोनिम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, नरेशन पे 2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको करेक्ट करना था, करेक्ट नरेशन जो है आपका चूज करना था, जिसमें डायरेक्ट स्पीच दिया गया था और इनडायरेक्ट स्पीच जो है आप लोगों का बताना था, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस टाइप का दिया गया था, और एक एक्टिव पैसिव वॉइस से आया हुआ था, और स्पेलिंग करेक्ट वाले आए हुए थे, ये आपका पिछले वाले वीडियो में बताए थे, पिछले बार जो आपका 11/17 वैकेंसी था उसमें भी क्वेश्चन आए हुए थे 2 से 3 क्वेश्चन, और आइडियम एंड फ्रेजेस से भी 3 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें आपका इस बार जो है एक सेंटेंस दे दिया गया था और उसमें जो है कोई सेंटेंस दे दिया गया था और उसमें अंडरलाइन कर दिया गया था, उसी का जो है बताना था इसका मतलब क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे आइडियम एंड फ्रेज से। और नेक्स्ट की बात करें जनरल अवेयरनेस से, तो आप लोग का करंट अफेयर जो है सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, और स्टडी ऑफ चाइल्ड को क्या कहते हैं वो आपका पूछा गया था, डांस से 1 क्वेश्चन था जो कि साउथ का डांस था कोई, और हिस्ट्री में आपका अशोका अम्पायर रूलर के बारे में कुछ पूछा गया था, ये कौन से टाइम के रूलर हैं, इसी के रिगार्डिंग था आपका, और 2 अमेंडमेंट से क्वेश्चन थे और 2 आर्टिकल से क्वेश्चन आए हुए थे, और एयर पॉल्यूटेंट का 1 क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का, और 1 टिश्यू से आए हुए थे, साइंस का क्वेश्चन है ये, और 2 स्पोर्ट एंड गेम्स से क्वेश्चन आए हुए थे आपका, ये क्वेश्चन तो आपको जनरल अवेयरनेस से बनता है। और नेक्स्ट की बात करें यदि इंजीनियरिंग से, जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे बीएमसी और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और आप लोग का जो इरिगेशन था, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम लिया गया था तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा बने थे, 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग को दिखाए थे। और इस वाले में बात करें यदि 5/19 में एनडीएमसी वाले में, तो इसमें सबसे ज़्यादा आप लोग का सर्वेइंग से पूछा गया था 45 से 50 क्वेश्चन, जिसमें आपका चेन सर्वेइंग आया हुआ था, चेन सर्वेइंग में गंटर चेन से मेजरमेंट पूछा गया था, जैसे 1 माइल में कितना गंटर चेन लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन था, एक रेवेन्यू चेन से था, और कैडेस्ट्रल सर्वेइंग से 1 क्वेश्चन आए हुए थे, और 1 क्वेश्चन जो है आपका इनकरेक्ट और करेक्ट लेंथ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और वर्नियर स्केल से पूछा गया था क्वेश्चन, और आप लोगों का 1 क्वेश्चन जो है कैडेस्ट्रल सर्वे किस चेन से करते हैं, इस टाइप का 1 क्वेश्चन आया हुआ था सर्वेइंग में, और 1 होल सर्कल बियरिंग आपका कंपास से पूछा गया था,
आपका 0 से 90 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग था आपका। उसमें सही आंसर जो है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट होता, वही था आप लोगों का। और एक क्वेश्चन जो है आपका डिक्लिनेशन से पूछा गया था, और थियोडोलाइट से क्वेश्चन आए हुए थे, और कर्वेचर करेक्शन से क्वेश्चन थे, और डंपी लेवल से थे। लेवलिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए थे आप लोगों का। और बात करें नेक्स्ट यदि हाइड्रोलिक से, तो इसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन यूनिट का ले जाता है इसमें। और इसमें फ्रॉड नंबर आज के पेपर में पूछा गया था, फ्रॉड नंबर से और ड्रैग फोर्स से भी पूछा गया था। और आपका जो है वीवर नंबर और आप लोगों का रेनॉल्ड नंबर से भी था, जिसमें आपका पाइप फ्लो के बारे में पूछा गया था। लैमिनर फ्लो में जो है रेनॉल्ड नंबर कितना होगा, तो वो 2000 वाला आपका जो आपका नंबर है वो भरना था उसमें। और 10 क्वेश्चन तो हाइड्रोलिक आप लोग का जैसा कि देख रहे हैं 5 से 10 क्वेश्चन हाइड्रोलिक के बन रहे थे। और इरिगेशन से आपका गुप्ता एंड गुप्ता से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, और 2 क्वेश्चन बाहर से थे। और 5 क्वेश्चन जो है आप लोग का हाईवे से आए हुए थे, हाईवे से और एनवायरनमेंट से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। हाईवे से आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन जो है NH से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। और आज जो है कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कर्व किस किस में यूज होते हैं, कर्व जो आपका यूज होता है हाईवे में उसके बारे में पूछा गया था। और BMC से 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें सीमेंट से पूछे गए थे, और आप लोग का जो है स्टोन से कुछ क्वेश्चन थे, इसी टाइप से था। और सॉइल के आज के एग्जाम में कम क्वेश्चन आए हुए थे, 5 क्वेश्चन के लगभग सॉइल से पूछे गए थे। सोम की बात करें तो 5 से 10 क्वेश्चन जो है सोम से पूछे गए थे आज के एग्जाम में, और 2 RCC के क्वेश्चन थे आप लोगों का स्ट्रेन स्ट्रेस से, और 5 स्टील से थे, और 5 यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे। तो बात तो होगी आप लोग के एग्जाम एनालिसिस की इतनी कि आप लोग का ये क्वेश्चन आए हुए थे। यदि बात करें यदि आप लोग का कट ऑफ का, तो जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है यदि आप लोग करके आए होंगे एग्जाम, तो कट ऑफ में आप लोग को बता दें एग्जाम का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, बट जो है आप लोग का पार्ट वाइज सेक्शन वाइज खुलने के हिसाब से जो है आप लोग का कट ऑफ में बहुत ही कटौती होगी, जैसा कि आप लोग को बताना चाहेंगे। जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो आप लोग की 100 से 110 के बीच में रहने वाला है आप लोग का जनरल की कट ऑफ, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो है 120 130 140 अटैम्प्ट किए हैं, तो उसमें से जो आपका 20 30 40 नंबर जो है नेगेटिव में जाएगा। उस हिसाब से आपका मैक्सिमम कट ऑफ इतना लेके चलें 100 से 110 कट ऑफ रहेगा। OBC का उसी हिसाब से आप लोग का 90 से लेके 95 तक कट ऑफ रहने वाला है OBC का। इसी तरह से SC ST का भी कट ऑफ रहेगा, कम ही रहेगा इसका, ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाला है। जैसा कि आप लोग को दिखा दिए इसमें कितना कट ऑफ रहेगा, तो यही रहने वाला है आज का पूरा वीडियो में। इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।